हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आपका राजनीति शास्त्र का पेपर कक्षा 11वीं का 6 तारीख को रहेगा। 6 तारीख मतलब 6 मार्च। यहाँ पर जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, सभी बच्चों के लिए ये 80 नंबर का पेपर रहेगा। मतलब इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन, दोनों ही वर्जन में आप लोगों के लिए ये पेपर लेकर आए हैं। तो 1 से लेकर 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो सभी दोस्त हमारे कक्षा 11 वाले जुड़ जाइए, लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक के बाद एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे, जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। जो दोस्त लाइव क्लास में आ चुके हैं, एक बार शेयर कर दीजिए, और चाहते हैं आप आगे भी इसी प्रकार आपको वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहले प्रश्न से आप देखेंगे, निम्न में से कौन सी मतदान की एक प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, निम्न में से कौन सी मतदान करने की, मतदान मतलब वोट डालने की, कौन सी प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की आय का साधन नहीं है। तो नगर निगम की जो आय का साधन नहीं है वो चंदा नहीं है, बाकी सब है। आदर्श नागरिकता नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है। तो यहाँ पर राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय कार्यपालिका है। तो भारत की संघीय कार्यपालिका जो है उसका नाम है, उक्त तीनों से मिलकर बनी है, मतलब राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन तीनों से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शामिल राष्ट्र कहलाता है। तो वो कहलाता है धर्मतांत्रिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक मानने वाला विद्वान था। तो उसमें नाम था रूसो का, रूसो आपका आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने यही आंसर सही लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का, राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देती है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो किसको जन्म देती है बच्चों, युद्धों आपका सही उत्तर हो जाएगा, युद्धों को जन्म देती है। अगला प्रश्न है दूसरा, नगरीय प्रशासन की शीर्ष इकाई है। तो यहाँ पर नगरीय प्रशासन की जो शीर्ष इकाई है बच्चों वो है नगर निगम, नगर निगम बड़ी है। और अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। और का आशय ऐसी नागरिकता से है जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विश्व होगा। और मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता वाले राष्ट्र थे धर्मतांत्रिक। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति का एक महीने का जो वेतन है बच्चों वो है 5 लाख। अगला प्रश्न है, नए व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है। तो यहाँ पर आ जाएगा वाल्टेयर आपका आंसर होगा, वाल्टेयर ने। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जिसमें आप जोड़ी देखेंगे। जोड़ी देख लीजिए बच्चों, आप सभी जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने सभी भाई बहनों को शेयर ज़रूर करिएगा। आने वाले 6 मार्च को आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा करोगे पेपर में, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जैसे भारतीय संविधान बना, कब बना, तो 26 नवंबर 1949।
और लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है बच्चों वो होता है राष्ट्रपति को। और संघीय सूची 97 से राजनीतिक समानता इसका आंसर हो जाएगा, वयस्क मताधिकार और मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार ये हो जाएगा आपका नंबर 5। सांस्कृतिक अधिकार और ऑस्ट्रिया एवं हंगरी साम्राज्यों का विघटन राष्ट्रवादी धारणा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 4 है जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक शब्द में उत्तर देना है। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ, तो ये जो जारी हुआ बच्चों वो हुआ 1948। और नेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशिया तथा नेट्स से मिलकर बना है नेशन। और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है संसद की किन्हीं दो समितियों के नाम लिखिए, तो लोक लेखा समिति और एक हो जाएगा आपका प्राकलन समिति, प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति। और किस परिस्थिति में भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, आपातकाल की स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, तो किस राज्य में बताइए, इसका आंसर आप सभी दोस्त मुझे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतवासियों ने कांग्रेसी नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा कब की थी, तो ये की थी 26 जनवरी 1930 को। एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा है छठा, उसका आंसर आप सभी हमें देंगे। जिसके बाद में क्वेश्चन आपका आया है बच्चों छठा वाला, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें आपको दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के और चच्चा नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी समय है आपके लिए। और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आंसर आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ये PDF अगर आप चाहते हैं कि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पेपर 23 के 23 हो चुके हैं। तो जितने दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, जो हमारे दोस्त ऑफलाइन वीडियो को देखते हैं, उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ ही लाइव में इसी प्रकार आप जुड़ें और अपनी तैयारी बेहतर करें, ठीक है। स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटी बटन गोल पर कर लीजिएगा जिससे अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।